तो दोस्तों अगर आज की डेट में देखा जाए तो भारत अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों सेनाओं में इस तरह की तेजी से क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है जो कि पिछले समय में नहीं देखी गई। और भारत टू फ्रंट वार के लिए पूरी तरह से अपने आप को यहां पर तैयार कर रहा है। यहां पर नए फाइटर जेट्स की खरीद हो इसकी तैयारियां की जा रही हैं और जो हमारे फाइटर जेट्स अभी हमारी वायुसेना के पास अवेलेबल है उनकी भी आर्मामेंट को लेकर स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है और इसको लेकर DRDO और भारतीय वायुसेना की तरफ से वो सारे काम किए जा रहे हैं जिससे कि भारतीय वायुसेना के अंदर जो फाइटर जेट्स हैं उनकी कमी को यहां पर पूरा किया जा सके, साथ ही जो फाइटर जेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको अच्छे से यहां पर रखा जा सके। और ऐसे में यहां पर ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय मिसाइलों को यहां पर ज्यादा से ज्यादा बड़ी मात्रा में भारतीय वायुसेना के अंदर इंडक्ट कराया जाए जिससे कि समय रहते भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को काउंटर करने में यहां पर समय ना लगाए। और आपको पता है कि पिछले समय में तेजस के द्वारा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का यहां पर टेस्ट कर लिया गया है और फाइनली और भी कई सारे टेस्ट यहां पर किए जाने बाकी हैं क्योंकि अस्त्र मिसाइल के अंदर कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं और ये बदलाव कुछ इस तरह की से DRDO की तरफ से किए जा रहे हैं कि यहां पर जो मिसाइलों की कॉस्ट है उसको काफी ज्यादा कम किया जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये काफी कम कीमतों पर अवेलेबल होंगी और ऐसे में भारत को अपनी सेना के अंदर इंडक्ट करने में तो इनको अच्छी खासी मदद मिलेगी, साथ ही भारतीय DRDO को हमारी मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट दूसरे देशों की तरफ से बहुत ही बड़ी संख्या में बढ़ने वाली है। हालांकि हमारी जो अस्त्र मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है वो इसकी एक्यूरेसी और मारक क्षमता को लेकर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है जिसका मतलब ये होगा कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो पिन पॉइंट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और दो दिन पहले ये न्यूज निकल कर आई थी कि भारतीय वायुसेना इसकी 500 की संख्या में ऑर्डर्स प्लेस करने वाली है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की तरफ से 100 एडिशनल तेजस मार्क 1A यहां पर ऑर्डर्स किए जाएंगे और ये सारी तैयारियां कहीं ना कहीं भारत की क्षमताओं को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। और ऐसे में आपको बता दें कि अस्त्र मार्क तक भारत नहीं रुकने वाला बल्कि भारत यहां पर अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के ऊपर भी काम कर रहा है और जल्द अपने डेवलपमेंट परीक्षण को अस्त्र मार्क 2 भी यहां पर कंप्लीट कर लेगी और उसके बाद में भारतीय वायुसेना के अंदर इसको इंडक्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां देखा जाए तो भारत मिसाइलों के मामले में बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और अपनी वायुसेना की क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है। अब आपको बता दें कि यहां पर भारत इन मिसाइलों को न केवल Su-30MKI के अंदर इंडक्ट करने वाला है बल्कि भारत यहां पर तेजस MK-1A के अंदर बहुत तेजी से इंडक्ट करेगा जिसका मतलब होगा कि जैसे जैसे भारतीय वायुसेना को हमारे HAL तेजस लड़ाकू विमान को हैंडओवर करता जाएगा इसके साथ ही मिसाइलों को यहां पर इंडक्ट करा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रफाल फाइटर जेट के अंदर भी इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा और उसके बाद में भारत जो एडिशनली यहां पर रफाल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है उनके अंदर भी इनको इंडक्ट किया जाएगा। और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि रफाल के और भी ज्यादा यहां पर ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। हालांकि जो रफाल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डसॉल्ट एविएशन वो भी इसकी पूरी तैयारियां कर चुकी है और यहां पर बताया जा रहा है कि भारत के अंदर ही प्लांट लगाकर रफाल को यहां पर बनाया जाएगा और भारत को यहीं से ऑर्डर्स हैंडओवर किए जाएंगे। लेकिन अब दोस्तों यहां पर खबर निकल कर आ रही है हमारी रुद्रम मिसाइल को लेकर और यहां पर बताया जा रहा है कि जो हमारी रुद्रम 1 मिसाइल है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो यहां पर बताया जा रहा है कि वो सारी व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं जिनके जरिए रुद्रम 1 मिसाइल का इंटीग्रेशन रफाल और तेजस के अंदर किया जा सके। और ऐसे में दोस्तों यहां पर बड़ी बात है कि भारत जो स्वदेशी लड़ाकू विमानों के अंदर इन मिसाइलों का इंटीग्रेशन कर रहा है वहीं पर राफेल लड़ाकू विमान के अंदर भी इनका इंटीग्रेशन साथ साथ में करता जा रहा है क्योंकि ये बड़ी बात है कि राफेल लड़ाकू विमान भी आज भारत के पास 36 की संख्या में अवेलेबल है लेकिन आने वाले समय में भारत MRFA डील के तहत इनको बड़ी संख्या में खरीदने वाला है। और अब यहां पर बताया जा रहा है कि ये इंटीग्रेशन सफल करने के बाद में इसके रफाल से भी टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और इन सब का मतलब यही है कि रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को हमारी तीनों फ्लीट के अंदर यहां पर इंटीग्रेशन कराया जाएगा, चाहे यहां पर Su-30 की फ्लीट हो, तेजस लड़ाकू विमान की फ्लीट हो या फिर राफेल लड़ाकू विमान की फ्लीट हो, इन सब के अंदर हमारी रुद्रम मिसाइल को यहां पर इंटीग्रेट करा लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि रुद्रम मिसाइल जो 1 है वो 150 किलोमीटर की रेंज तक मारक क्षमता रखती है और इसके अंदर एक 55 किलोग्राम तक का एक बहुत ही ताकतवर वारहेड लगाया जाता है जो कि एनिमीज के रडार सिस्टम को डिटेक्ट करके उनको जाम करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाता है। अल्टीमेटली अगर इस मिसाइल को देखा जाए तो इस मिसाइल से भारतीय फाइटर जेट की जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और सोचिए कि अगर रफाल में इसका इंटीग्रेशन करके इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है तो फिर इस मिसाइल की जो एक्सपोर्ट
करने की क्षमता है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि कई सारे देश पहले से ही भारतीय मिसाइलों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और आने वाले समय में कई सारे देश इनके ऑर्डर्स भी प्लेस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।